आज का पहला आसन है मुष्टिका बंधन। वज्रासन में बैठ जाएं अथवा प्रारंभिक स्थिति या पलथी मारकर बैठें। प्रारंभिक स्थिति का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाथों को इस प्रकार सामने फैला लें। श्वास छोड़ते हुए अंगूठों को अंदर रखते हुए कसकर बंद करें। श्वास लेते हुए उंगलियों को फैला लें और अच्छे से तानें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बांधें। श्वास लेते हुए मुट्ठी खोल लें। ध्यान श्वास के ऊपर और उंगलियों के ऊपर। आंखें बंद, रीढ़ सीधा, कोहनी सीधा। यह था मुष्टिका बंधन। आज का दूसरा आसन है मणिबंध नमन। पहले आसन जैसे हाथों को सामने फैलाकर बैठें। हथेलियां खुली रहेंगी और उंगलियां सीधा। कलाइयों को ऊपर की ओर मोड़ें, जैसे आप दीवार को दबा रहे हों। कलाइयों को नीचे की ओर मोड़ें। श्वास लेते हुए कलाइयां नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर मोड़ें। अभ्यास के दौरान कोहनी सीधा रखें। इसका 10 बार अभ्यास करें। श्वास लेते हुए नीचे, छोड़ते हुए ऊपर, लेते हुए नीचे, छोड़ते हुए ऊपर। यह था मणिबंध नमन। आज का तीसरा आसन है मणिबंध नमन। भागे दाहिने हाथ को सीधा करें। मुट्ठी बंद, अंगूठा मुट्ठी के अंदर। जरूरत हो तो दूसरे हाथ का सहारा लें। श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर, श्वास लेते हुए नीचे की ओर मुट्ठी घुमाएं। जितना बड़ा गोल हो सके बनाएं। दोनों दिशाओं में 10-10 बार दोनों हाथों से अभ्यास करें। श्वास छोड़ते हुए ऊपर, लेते हुए नीचे। श्वास छोड़ते हुए ऊपर, लेते हुए नीचे। दोनों हाथों से अभ्यास। रीढ़ सीधा, आंखें बंद, ध्यान श्वासों के ऊपर। यह था मणिबंध चक्र। चरण दो, मुट्ठियां बांधते हुए दोनों हाथों को सामने फैला लें। दोनों मुट्ठियों को एक साथ एक ही दिशा में घुमाएं। दोनों दिशाओं में 10-10 बार अभ्यास करें। श्वास छोड़ते हुए ऊपर, लेते हुए नीचे। अभ्यास के दौरान कोहनी सीधा रखें कंधों की ऊंचाई पर। श्वास छोड़ते हुए ऊपर लें, श्वास लेते हुए नीचे। यह था चरण दो। चरण तीन, मुट्ठी बांधते हुए हाथ कंधों के सामने। दोनों मुट्ठियों को विपरीत दिशा में एक ही साथ घुमाएं। दोनों दिशाओं में 10-10 बार अभ्यास करें। श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर, श्वास लेते हुए नीचे की ओर घुमाएं। इन आसनों से हाथ और कलाइयों के जोड़ों के तनाव दूर होते हैं। यह था मणिबंध चक्र।